नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। क्या आपकी तबीयत ख़राब है? क्या आप इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं? यदि हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। होम आइसोलेशन नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इस वक्त हम राजधानी पटना में खड़े हैं और पटना में देख सकते हैं आप जिला चिकित्सा नियंत्रण कक्ष, होम आइसोलेशन नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया। और नंबर आप देख सकते होंगे 0612219090, 0612224964। आप इस पर कॉल करके जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो टीम यहाँ बैठी हुई है जिला प्रशासन की तरफ से, उनसे सुझाव ले सकते हैं। क्या खाना खाएंगे आप, क्या दवाइयाँ लेंगे आप, क्या ऑक्सीजन की आपके शरीर में कमी तो नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये बड़ा कह सकें तो अभियान चलाया गया है, बड़ा नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिला प्रशासन की ओर से। आप कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, आप में क्षमता है, बस आप सुझाव लें और खुद को कोरोना से बचाएं, कोरोना को मात दें। ऐसे में पटना के जो DM है कुमार रवि, वो खुद घूम घूम कर इस नियंत्रण कक्ष का मुआयना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। यहाँ बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी अवेलेबल है, जो हर वक्त लोगों से बातचीत करके उन्हें सुझाव देना, उनका ख्याल रखना, क्या वो खाएँगे, क्या दवा लेंगे, उनके ऑक्सीजन का जो मीटर है वो क्या बताता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेना, ये सब उनको देखे करना। और ऐसे में पटना के जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं संजय अग्रवाल, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने ही शुभारंभ किया है इस नियंत्रण कक्ष का, जहाँ पर पटना के जो DM है कुमार रवि, वो भी मौजूद हैं। पटना के जो DM है कुमार रवि, देखिए किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो उनके अधिकारी हैं और यहाँ पर जो स्टाफ्स मौजूद हैं, उन सभी से बातचीत हो रही है। और जो आम लोग हैं उनसे भी बातचीत करके पूछा जा रहा है कि क्या आप ठीक हैं या नहीं हैं। सर, थोड़ा सा समय आपसे चाहेंगे। जिस तरीके से ये नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, क्या लगता है आने वाले समय में जो लोग होम क्वारंटीन हैं, घर पे ही आइसोलेट हैं, वो कितना उनके लिए सहायक है? देखिए, ये यहाँ पर एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर जो भी होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा और प्रतिदिन उनको कॉल किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। अगर उनको किसी प्रकार की विशेष सहायता की आवश्यकता है तो यहाँ टेलीमेडिसिन के माध्यम से यहाँ डॉक्टर्स हमारे उनसे बात करेंगे और जो उनका जो भी उनको आवश्यकता होगी उसके अनुसार आगे उनको सुझाव देंगे या दवा के बारे में सुझाव देंगे या अन्य चीज़ों के बारे में चिकित्सीय सलाह देंगे। जो घर पर इस वक्त आइसोलेट हैं उनको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर फ़ोन करते हैं तो सब तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है? बिल्कुल, बल्कि उनको फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय वो टेस्टिंग कराते हैं उसी समय उनके मोबाइल का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी मोबाइल रजिस्ट्रेशन के आधार पर यहाँ से कॉल किए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कॉल नहीं जा पाया हो किसी कारण से, तो वह जिला नियंत्रण कक्ष जो का नंबर है 224-99-64, उस पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने और उनको टेलीमेडिसिन की आवश्यकता है कि वो किसी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मतलब खाने पीने से लेकर के दवाइयों तक की जितनी सुविधाएं हैं या जितने सुझाव हैं वो यहाँ से दिए जाएंगे? घर पर रह रहे हैं तो अपनी जो सुविधा है उसमें क्या उनको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस प्रकार से दवाओं का ध्यान देना चाहिए, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं अपने आप को कहीं भी कमज़ोर नहीं समझें कि उनके पास किसी तरह की सुविधा नहीं, तो ये सभी उसी दृष्टिकोण से इस कंट्रोल रूम को बनाया गया है। देखिए, कुल मिलाकर आप यदि घर पर आइसोलेट हैं तो क्या खाएँगे, कौन सी दवाइयाँ लेंगे, कैसा आपका स्वास्थ्य है, वो जानने के लिए होम आइसोलेशन नियंत्रण कक्ष की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखते हैं, पटना के जो DM है कुमार रवि खुद लोगों से बातचीत करके उनका हालचाल ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में आप कैसे रहें कि आप जल्द कोरोना को मात दें ताकि बिहार भी कोरोना की इस जंग में जल्द जीत पाए। लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।